हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिवानी क्लासेस आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ विज़िट इन कल्चरल फेस्टिवल्स ये टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का इसकी पहले और भी बहुत सारी वीडियोस चैनल पर हैं लिंक प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आपने वो सब वीडियोज़ भी देख लेनी है और इसके साथ का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ विजिट इन आर्ट एग्जिबिशन ठीक है तो वो टॉपिक भी वहाँ पर है वो भी आपने देख लेना है सो so, शुरू करेंगे हमारे टॉपिक को सो so, हमने बात करनी है कि कल्चरल फेस्टिवल्स में जाने की क्या ज़रूरत है उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि कल्चरल फेस्टिवल्स क्या होते हैं और कौन कौन से कल्चरल फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं सो कल्चरल फेस्टिवल इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ़ द ट्रेडिशंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल और प्लेस कल्चरल फेस्टिवल क्या है ये सेलिब्रेशन है ट्रेडिशन की किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लोगों की ठीक है या फिर कोई जो कम्युनिटी है उनका कोई ट्रेडिशन है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं उसको कहेंगे हम कल्चरल फेस्टिवल बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में और हर फेस्टिवल का अपना कोई मीनिंग है उसका अपना कोई सिग्निफिकेंस है और किसी रीज़न की वजह से ही उस कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ओके okay? सो कल्चर फेस्टिवल देखेंगे हम कुछ इंडिया और हिमाचल प्रदेश के जो हैं बैसाखी जो फेस्टिवल है पिक्चर भी यहाँ पर है बैसाखी मनाई जाती है हमारे अप्रैल के मंथ में बैसाख महीना जो होता है सो so, इसलिए इसका नाम बैसाखी है हिंदू और जो सिख रिलीजन के लोग हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं दूसरा आता है हमारा बिहू फेस्टिवल जो असम में होता है जब स्प्रिंग का अराइवल होता है उस समय बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है थर्ड वन इज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में मनाया जाता है और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहते हैं देन नेक्स्ट वन इज़ ओणम जो ओणम है वो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं केरला का ये मेन फेस्टिवल है केरला में मनाया जाता है मोस्टली और ये जो पिक्चर है सामने ये भी ओणम की है इस तरह से ओणम को सेलिब्रेट किया जाता है देन पोंगल जो है वो साउथ इंडिया में मनाया जाता है तमिल फेस्टिवल है ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है ओके okay. नेक्स्ट कुछ और कल्चरल फेस्टिवल्स हैं जैसे दुर्गा पूजा है जिसको नवरात्रि भी हम कहते हैं देन गणेश चतुर्थी देन लोसर फेस्टिवल जो लोसर है वो लद्दाख या फिर स्पीति में मनाया जाता है तिब्बतन न्यू ईयर के आगमन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है देन फुलेज फेस्टिवल जो है वो किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के देन दिवाली का तो आप सभी को पता ही है दियों का त्यौहार है ये दीपावली देन कुल्लू का फेमस दशहरा देन लोहड़ी देन सैर फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है जैसे मंडी है हमारा कांगड़ा है उसके बाद शिवरात्रि मंडे की शिवरात्रि बहुत ही फेमस है देन नलवाड़ी का जो मेला है नलवाड़ी पशुओं का मेला है बिलासपुर में होता है मिंजर का मेला मिंजर फेस्टिवल जो है वो चंबा में मनाया जाता है तो इस तरह से आप कुछ फेस्टिवल्स के बारे में लिख सकते हो पहले आप लिखोगे कल्चर फेस्टिवल्स क्या होते हैं कौन कौन से कल्चर फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में आप एक या दो पेजेस में लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आता है एट मार्क्स में ओके अगर आपको शॉर्ट नोटिस आता है तब तो आप इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा ओके अब बात करेंगे कि इम्पोटेंस क्या है कल्चरल फेस्टिवल्स में जाने की फ़र्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड यूनिटी हमारे इंडिया में बहुत ही अलग अलग कल्चर हैं तो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में सो कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिटी बढ़ती है अमंग पीपल अगर हम किसी भी कल्चरल फेस्टिवल में जाते हैं हम वहाँ का जो ट्रेडिशन है वहाँ का जो कल्चर है वो हम सीखते हैं और हमें एक यूनिटी की भावना जो है वो बनी रहती है ओके okay? सो so, पढ़ेंगे थोड़ा सा इंडियंस आर डीपली कनेक्टेड विद रिचुअल्स ट्रेडिशन्स एंड कल्चर हमारे बहुत सारे रिचुअल्स हैं हम बहुत सारे ट्रेडिशन फॉलो करते हैं एंड द फेस्टिवल्स इन इंडिया क्रिएट सेंस ऑफ कल्चरल यूनिटी एंड ब्रदरहुड ऑल दो इंडियन कल्चर इज डाइवर्स इन नेचर वी कैन सी सोशल हार्मनी एवरीवेयर फेस्टिवल गिव अपॉर्चुनिटी टू नो आर कल्चर डाइवर्सिटी एंड ट्रडिशंस तो इसमें भी यही कहा गया है कि जो फेस्टिवल्स है जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उससे एक सेंस ऑफ यूनिटी और एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड यानी कि एक भाईचारे की भावना हमें क्रिएट होती है और एक पॉइंट ये भी आता है अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट भी होती है अगर वो कल्चरल फेस्टिवल्स में जाता है वहाँ पर वो बहुत ही नई नई चीज़ें सीखता है ओके सो कल्चरल फेस्टिवल्स जो है वो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने कल्चर के बारे में जान सकें और ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकें नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिज़र्वेशन ऑफ़ ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज अगर हम कल्चरल फेस्टिवल्स में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो ट्रेडिशन है जो हमारा कल्चर है जो रिचुअल है वो फॉलो हो रहे हैं तभी हम अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व कर पाएंगे अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक उनको पहुँचा पाएंगे ओके okay? सो so, अगर हम कल्चर फेस्टिवल में जाते हैं तो उससे हमारा जो प्रिजर्वेशन है ट्रेडिशन और हेरिटेज का वो होगा पर अगर हम कल्चर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारी रूट्स क्या हैं जहाँ से हम ग्रो हुए हैं ओके सो कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना उनमें जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी ओके नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस कोई भी फेस्टिवल है उसका स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगी तभी ही उस फेस्टिवल को मनाया जाता है जैसे गणेश चतुर्थी है या फिर दीपावली ही क्यों ना है हर फेस्टिवल का कोई रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है एंड दे गिव पीपल अ चांस टू रिकनेक्ट विद यर बिलीफ इन गॉड आस्क फॉर फेवर्स एंड डेवलप द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स दैट आर द बेसिस ऑफ इंडियन फिलासफ़ी नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशनल वैल्यू भी बहुत है कल्चरल फेस्टिवल्स की सो so जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ताकि बच्चे कुछ uh, क्रिएटिव कर सकें जैसे कोई फेस्टिवल है फ़ॉर एग्जांपल रंगोली है तो बच्चों को स्कूल में रंगोली कंपटीशन करवाए जाते हैं या फिर दीपावली है तो दीपावली में भी रंगोली कॉम्पिटिशन होते हैं पोइम रेसिटेशन होती है ताकि बच्चों में वो क्वालिटीज़ आ सकें बच्चे जान सकें कि हमारे फेस्टिवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है क्यों हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं हमें अपने कल्चर बैकग्राउंड के बारे में पता चले हिस्ट्री के बारे में पता चले हम माइथोलॉजी को समझ सकें और बच्चों में एक वैल्यू डेवलप होती है कंपैशन की रिस्पेक्ट की और एम्पति की ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हम किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें तो बहुत सारे स्ट्रेस जो हैं वो रिलीव हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं कोई भी टेंशन है कुछ भी हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमारा जो स्ट्रेस है उससे हमें रिलीफ मिल जाती है ओके okay. नेक्स्ट पॉइंट इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू अडोप्ट स्किल इन आर्ट इसे बच्चे मोटिवेट होते हैं कुछ सीखने में वो कोई स्किल सीखना चाहते हैं कुछ आर्ट करना चाहते हैं जैसे अभी हमने रंगोली की ही बात की तो रंगोली एक तरह का आर्ट है तो बच्चों में वो आर्ट की जो भावना है वो भी डेवलप होती है नेक्स्ट पॉइंट इट्सटिमुलेट सेंस ऑफ एप्रिसिएशन एंड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों में अप्रिसिएशन और एस्थेटिक वैल्यू भी डेवलप होती है नेक्स्ट इट इन्हांस आर्टिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड बच्चे का आर्टिस्टिक नेचर बाहर आता है जैसे बच्चा कोई आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहा है जैसे हमारा अगर इंडिपेंडेंस डे ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम बच्चे को बोलते हैं आपने फ्लैग बनाना है किस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट का यूज़ करना है रंगोली बच्चा बनाता है किसी फेस्टिवल के बारे में वो ऐसे लिखता है पोइम लिखते हैं तो बच्चे की जो स्किल है उसका जो आर्टिस्टिक नेचर है वो डेवलप होता है उससे नेक्स्ट पॉइंट सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक मकर संक्रांति बसंत पंचमी हेल्प्स इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग चिल्ड्रन टू वर्ड नेचर जैसे हम कुछ फेस्टिवल मनाते हैं मकर संक्रांति है बसंत पंचमी है तो इनसे बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है नेचर की तरफ बच्चे नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट स्कूल इनकलकेट द एसेंस ऑफ फेस्टिवल्स इन किड्स थ्रू डांस सॉन्ग्स पोइम रेसिटेशन स्टेज परफार्मेंसेज एक्सेट्रा विच नॉट ओनली एनकरेज देर पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बट ऑल्सो बूस्ट स्टूडेंट सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर कोई फेस्टिवल है तो उसके रिलेटेड हम स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन करवाते हैं जैसे डांस कॉम्पिटिशन है सॉन्ग कॉम्पटिशन है पोइम रेसिटेशन हो गया स्टेज में बहुत सारी परफॉर्मेंस जैसे कोई स्किट परफॉर्मेंस है तो उससे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते हैं साथ ही साथ बच्चों का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है सेल्फ़ स्टीम है वो भी बिल्ड होता है कि किस तरह से स्टेज पर परफॉर्म करना है तो so, ओवरऑल जो कल्चरल फेस्टिवल्स हैं उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और कल्चरल फेस्टिवल्स में हमेशा जाना चाहिए और बच्चों को एनकरेज करना चाहिए टीचर को कि बच्चे फेस्टिवल्स में जाएं और स्कूल में भी उस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी चाहिए जिससे बच्चे अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़े रहें ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब जल्दी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय टेक केयर